जीवन में बहुत कठिन मेहनत करते लेकिन हमें सफलता प्राप्त नहीं होती। इसके पीछे का कारण नमस्कार, एस्ट्रो दर्शन के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अक्सर हम देखते हैं कि हम अपने जीवन में बहुत कठिन मेहनत करते हैं लेकिन हमें सफलता प्राप्त नहीं होती। ऐसे में हम अपने भाग्य को दोष देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पीछे का कारण कई बार वास्तु दोष भी होता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा रहने पर परिवार में आर्थिक समृद्धि, सुख वैभव और अच्छी सेहत मिलती है, पर वही नकारात्मक ऊर्जा होने पर व्यक्ति का आर्थिक हानि, कार्यों में बाधाएं और बीमारियां, परिवार में मतभेद होते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर घर में किसी भी तरह का वास्तु संबंधित कोई दोष होता है तो व्यक्ति के जीवन में रुकावट और धन की हानि होती है। ऐसे में हमको वास्तु दोष दूर करने का कुछ खास उपाय जानना चाहिए, जिसे करके हम अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ उपाय जिसमें अपना कर व्यक्ति तरक्की और समृद्धि प्राप्त कर सकता है। वास्तुशास्त्र में ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व दिशा का बहुत महत्व होता है, क्योंकि देवताओं की दिशा मानी जाती है। यह एक ऐसी दिशा है जहाँ कुछ चीज को रखना बहुत जरूरी होता है और शुभ भी। वहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें इस दिशा में गलती से भी नहीं रखना चाहिए और बचना भी चाहिए। आइए जानते हैं क्या क्या हमें उत्तर पूर्व दिशा में नहीं बनवाना चाहिए। उत्तर पूर्व दिशा में कभी भी भारी सामान नहीं रखनी चाहिए, शौचालय नहीं बनवाना चाहिए। यदि ईशान कोण में सटा हुआ किचन होता है तो उस घर में रहने वाले सदस्यों की वंश वृद्धि में समस्या आती है, फालतू खर्च बढ़ जाते हैं और घर में महिलाओं के स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। ईशान कोण में भारी पेड़ नहीं लगाने चाहिए। ईशान कोण में तिजोरी नहीं होनी चाहिए, वरना फालतू खर्च बढ़ते हैं और धन की चोरी और खतरा भी बढ़ सकता है। ईशान कोण कभी भी गोलाकार नहीं होना चाहिए, इन कोनों को कभी बंद नहीं करना चाहिए। उत्तर पूर्व दिशा में किचन नहीं होना चाहिए, वरना गृह कलेश होता है और धन का नाश भी होता है। यदि ईशान कोण कटा हुआ हो, वृत्त हो तो संतान विकलांग पैदा हो सकती है। ईशान कोण में सीढ़ी बनवाना भी बहुत अशुभ माना जाता है। ईशान कोण में टापू, पहाड़ी, झरना इत्यादि वाली पेंटिंग लगाना भी अशुभ होता है। ईशान कोण में कचरा रखना या पत्थरों का ढेर लगाना या इसको ऊंचा करने से सामाजिक तौर पर शत्रुता बढ़ती है और उसको जीवन में बहुत समस्याएं आती हैं। उत्तर पूर्व दिशा में यानी कि ईशान कोण में ये सारी चीज़ बनवानी शुभ मानी जाती है, जैसे पूजा घर, बालकनी, बरामदा, भूमिगत टंकी, नलकूप, स्वागत कक्ष, वर्षा के पानी का निकास के लिए बहुत ही उपयोगी माना जाता है। ईशान कोण को बहुत ही सुंदर ढंग से, व्यवस्थित ढंग से रखना चाहिए, क्योंकि इस दिशा में भगवान का वास होता है। ईशान कोण में तुलसी का पौधा लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगले कार्यक्रम में बात करेंगे वास्तुशास्त्र में दक्षिण पूर्व दिशा को यानी कि अग्नि कोण में। अगर आपके जानने वाले या सगे संबंधी, आपके आसपास के लोग वास्तु समस्या से पीड़ित हैं तो हमारे कार्यक्रम उन्हें अवश्य शेयर करें और जाने अनजाने में ईशान कोण में रखी हुई वस्तुओं से घर की नेगेटिव एनर्जी को खत्म करें, दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलें। तो अगले कार्यक्रम में हम बात करेंगे दक्षिण पूर्व दिशा यानी कि अग्नि कोण के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।